हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट वन। टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, मानव जीवन पर पर्यावरण के अधिकांश प्रभाव अप्रत्यक्ष होते हैं। ओके, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण मानव की जीव रचना में अव्यवस्था पैदा करने के साथ अनेक प्रकार के सामाजिक तथा मानसिक समस्याओं में वृद्धि करता है। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों को इस प्रकार समझा जा सकता है। ओके, सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नंबर वन, घातक बीमारियों में वृद्धि। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण से अनेक घातक बीमारियों में वृद्धि होती है। ओके, इनमें से अधिकांश बीमारियों का संबंध हृदय, पेट, आँख और त्वचा से है। रक्त विकार, दम और सांस की बीमारियां, सिरदर्द, तपेदिक, डायरिया, मानसिक विकार, अनिद्रा, एलर्जी आदि पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है अनिद्रा तथा मानसिक रोग। ध्वनि प्रदूषण के कारण औद्योगिक नगरों में मशीनों के बीच काम करने वाले लाखों श्रमिकों में अनिद्रा और विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। शोर के कारण निरंतर मानसिक तनाव बने रहने से निरंतर धीरे धीरे लोगों में व्यक्ति विघटन होने की संभावना बढ़ जाती है। यही व्यक्ति विघटन बाद में परिवार को भी विघटित करने लगता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है आपका तापमान में वृद्धि। ओके, भौगोलिक वादियों का कथन है कि पृथ्वी के तापक्रम में होने वाला कोई भी परिवर्तन सामाजिक अनुकूलन की नई समस्या उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस की परत है। सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओके, मतलब 3000 किलोमीटर ऊपर कौन सी परत है? ओजोन की परत होती है। ओजोन गैस जो होती है उसकी परत होती है जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ओजोन गैस की इस परत में बड़े बड़े छेद हो जाने के कारण पृथ्वी पर सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ गई है। इसी के फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका न केवल संपूर्ण मानव जाति की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका वनस्पतियों में कमी। ओके, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के फलस्वरूप पृथ्वी पर वनस्पतियों की निरंतर कमी होती जा रही है। बढ़ते हुए प्रदूषण से उन वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब नेक्स्ट है आपका वन्य जीवों का ह्रास। पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख प्रभाव वन्य जीवों की घटती हुई संख्या के रूप में देखने को मिलता है। वास्तव में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंगलों की स्वच्छता को बनाए रखकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट है आपका अपराधों में वृद्धि। ओके, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण अपराधों में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारण है। जो व्यक्ति बहुत अधिक शोर के बीच रहते हैं उनमें मानसिक तनाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वे सरलता से अपराधों की ओर बढ़ने लगते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन, ओके, पर्यावरण प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पारिवारिक जीवन को भी विघटित करने वाला एक प्रमुख स्रोत है। जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इससे परिवार में आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होती बल्कि आजीविका उपार्जित करने वाले सदस्यों में मानसिक तनाव भी बढ़ने से सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की मधुरता कम होने लगती है और परिवार में बढ़ते हुए तनाव का कारण पारिवारिक विघटन की दशा उत्पन्न कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकार की प्रेरणा, एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की प्रेरणा। ओके, पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आज एक प्रमुख समस्या है। एक और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिक और नगरीय विकास आवश्यक है तो दूसरी ओर इसके फलस्वरूप पर्यावरण में तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसी कारण आज विभिन्न देशों की सरकारें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा इसका उपचार करने के लिए अनेक संगठित कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं। ओके, नंबर वन है इसमें पर्यावरण संरक्षण कानून, वन पॉइंट है आपका। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस समय भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 30 प्रमुख कानून लागू हुए हैं। नंबर टू है प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सन 1992 में एक विशेष नीति की घोषणा करी जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों में कमी लाने और प्रदूषण फैलाने वाले रसायनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, नंबर थ्री। सरकार ने सन 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की जिसका उद्देश्य गंगा की सफाई के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना है। नंबर फोर है राष्ट्रीय वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। इस बोर्ड का उद्देश्य वृक्षारोपण में वृद्धि करना, राष्ट्रीय अभयारण्यों में जग जीवन को सुरक्षित बनाना, जनजीवन को वनों का संरक्षण करना और सामाजिक वानिकी का विस्तार करना है। नेक्स्ट है आपका वन नीति में संशोधन। सन 1988 में भारत की पुरानी वन नीति को संशोधित करके उसे एक ऐसा रूप दिया गया जिससे वन संपदा का अधिक से अधिक संरक्षण किया जा सके। ओके, और मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि को रोका जा सके। अब नेक्स्ट है आपका वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 के द्वारा जंगल लुप्त होती जा रही वनस्पति और जीवों की प्रजातियों पर नियंत्रण लगाकर जंगलों के जीव जंतुओं की रक्षा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुसंधान। जीव मंडल पर्यावरण पश्चिमी और पूर्वी घाटों तथा समुद्र जल से संबंधित अनुसंधान कार्यों के लिए देश में अनेक पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। देश में पर्यावरण के संरक्षण में योगदान करने वाले व्यक्तियों के लिए अनेक पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। सन 1987 से पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ओके, सन 1991 में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रदूषण नियंत्रण के सामान्य सुझाव, जनरल सजेशंस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। ओके, वृक्षारोपण कार्यक्रमों में कुछ सफलता अवश्य मिली है। सरकार के विभिन्न प्रयत्नों के बाद भी हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या लगातार अधिक गंभीर होती जा रही है। विभिन्न कानूनों के बाद भी मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में प्रदूषण फैलाने वाले 200 से भी अधिक कारखानों में अभी तक केवल 62 कारखानों में ही रासायनिक प्रदूषण को रोकने वाले संयंत्र लगाए गए हैं। गंगा विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा की सफाई के लिए प्रदूषण को रोकने वाले संयंत्र लगाए गए और 1,000 करोड़ से भी अधिक राशि व्यय करने के लिए आज भी गंगा का पानी उतना ही प्रदूषित है। वायु प्रदूषण को रोकने में सरकार को कोई सफलता नहीं मिली। शोर प्रदूषण के लिए भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए अनेक कानून हैं, लेकिन वन्य जंतुओं की अनेक प्रजातियां तेजी से लुप्त और कम होती जा रही हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रमों में कुछ सफलताएं अवश्य मिली हैं, लेकिन इसे भी व्यय के अनुपात में संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने तथा पर्यावरण में सुधार लाने के लिए निम्नांकित उपाय अधिक कानूनी उपयोग भी सिद्ध हो गए हैं। ओके, नंबर 1 है इसमें पॉइंट कानून का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन। नंबर 2 है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन। नंबर 3 है वाहनों की जांच। नंबर 4 वनों का विस्तार। नंबर 5 नगर नियोजन। नंबर 6 नदियों की सफाई। नंबर 7 कीटनाशक दवाओं का संतुलित उपयोग। नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न। नंबर 9 नागरिक प्रशिक्षण। नंबर 10 है आपका पर्यावरण शिक्षा। ओके, इस दशा में आवश्यक है कि समस्या के प्रति सभी देश एकजुट होकर संगठित प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पर्यावरण को औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का प्रभाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।